नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लाए हैं सीरियल अनुपमा का अपडेट। अनुपमा 29 दिसंबर एपिसोड। मायका मायका करने के लिए अनुपमा पर भड़केगा अनुज, बा को सुनाएगा चार बातें। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। जल्द ही शो में दिखाया जाएगा कि अनुज मायके को प्राथमिकता देने के लिए अनुपमा पर भड़कता है, वहीं बा सारा इल्ज़ाम भी अनुपमा के मत्थे मढ़ देती है। टीवी के धमाकेदार शो अनुपमा में इन दिनों लगातार ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहे हैं। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा की कहानी अनुज और छोटी अनु के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अनुज को एहसास हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनुपमा अपने परिवार से पहले अपने करंट परिवार को चुनती है और उन्हीं का ख्याल रखती है। बीते दिन भी अनुपमा में दिखाया गया कि अनुज और छोटी अनु फंक्शन में अनुपमा का इंतज़ार करते रह गए, लेकिन वह देर से पहुंची और बाकी स्कूल वालों के सामने परफॉर्म करने की भीख तक मांगने लगी। लेकिन अनुपमा में आने वाले ये मोड यहीं ख़त्म नहीं होते। मायका मायका करने के लिए अनुपमा पर भड़केगा अनुज। अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुज अनुपमा पर भड़कता है कि उसके लिए छोटी के फंक्शन से ज़्यादा ज़रूरी बा के लिए खिचड़ी बनाना था। वह पाखी और बा को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी बड़ी बदतमीज़ है तो उसके साथ खड़े रहते हैं, तुम्हारी बात ज़िद्दी है तो उनकी बात पत्थर की लकीर हो जाती है, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है। अनुज यहीं नहीं रुकता और आगे कहता है, तो तुम्हारे साथ हुआ वो जाने अनजाने में मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है, मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा अच्छा होने की सज़ा मिल रही है। बा पर नाराज़गी जाहिर करेंगे बापूजी। बापूजी घर पहुंचते ही बा पर भड़क उठते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तूने ही जानबूझकर अनुपमा को रोका होगा, क्योंकि तू पहले भी ऐसा कर चुकी है और पहले भी अनुपमा का इस्तेमाल कर चुकी है। बा अपनी सफाइयाँ देती है कि अनुपमा खुद की वजह से लेट हुई है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अनुपमा के मत्थे सारा इल्ज़ाम मढ़ेंगी बा। रूपा गांगुली के शो अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि बा अनुपमा और अनुज के घर पहुंचते ही पुरानी बातें शुरू कर देती हैं। अनुज उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बा नहीं सुनती। बा कहती है कि अनुज पहले ही मुझे गलत समझता है, मैंने उसे नहीं रोका था, पहले उसे चोट लगी और फिर परी की तबीयत खराब हो गई। बा यहीं नहीं रुकती और कहती हैं, देर हो गई तो भी क्या हुआ, वो फंक्शन ही तो था, कोई ओलंपिक गेम नहीं था। इस बात पर अनुज भड़क जाता है और कहता है, बड़ी बात हो गई है बा, वनराज के कान भरेंगी बा। एंटरटेनमेंट से भरपूर अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुज बा को चार बातें सुनाकर चला जाता है, वहीं बा फ़ोन पर वनराज के कान भरती हैं। दूसरी ओर छोटी अनु को एहसास होता है कि उसके माँ बाप में उसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये थी सीरियल अनुपमा की अपडेट। ऐसी और अपडेट्स लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।